वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। और आज के वीडियो में हम जहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो बताएंगे। हेलो, आज हम जा रहे हैं रामनगर हनुमान धाम मंदिर। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रामनगर का हनुमान धाम मंदिर। हाँ, तो मैं आपको मिलता हूँ रास्ते पे। तो अभी हम निकल चुके हैं हल्द्वानी से और अभी हम पहुँचे हैं हरिप्रिया। काफ़ी लंबे टाइम से हम कहीं दूर घूमने नहीं गए, तो आज मौका मिला तो हम हनुमान जी के दर्शन करने रामनगर हनुमान धाम जा रहे हैं। और बातों बातों में हम लामा चौड़ वाली मोड़ पे पहुंच गए हैं, जहां से हमें हल्द्वानी से बाहर रामनगर के लिए निकलना है। रामनगर जाने का ये रास्ता जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, तो हमें रास्ते में काफ़ी सारे गाँव और हरियाली और प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं कालाडूंगी और थोड़े आगे पे ही हमें कालाडूंगी से आगे ये नैनीताल जाने वाली जो बाईपास रोड है वो मिलेगी। और ये रहा नैनीताल जाने वाला बाईपास रोड। थोड़े से आगे जाने पे ही हमें रामपुर मुरादाबाद जाने वाली जो रोड है सामने जा रही है ठीक हमारे, उससे हमें राइट कटने हैं रामनगर के लिए। और हम यहाँ से कट गए हैं राइट रामनगर के लिए। इसी रास्ते पे हमें एक कॉर्बेट फॉल भी मिलता है जो हमने पीछे छोड़ दिया है। और अभी सनसेट होने वाला है तो हमें हनुमान धाम जल्दी से पहुँचना है। काफ़ी प्यारे नज़ारे हैं सनसेट में यहाँ के। जी, श्री हनुमान धाम हम पहुंच गए हैं। 1.5 किलोमीटर लेफ्ट में कहीं हमें निकलना है। हम कुछ ज़्यादा आगे आ गए और हमें पता भी नहीं चला लेफ्ट में हमें कहां जाना था हनुमान धाम के लिए, तो हमें वापस कटना है अभी। फाइनली हमें पता चल गया है कि हमें जाना कहाँ है। हमें लेना है यहाँ से राइट और हम सीधे पहुँच जाएंगे हनुमान धाम। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती मत करना हमारी तरह। आप लोग किसी से पूछ लेना, उसके बाद सही रास्ता ले लेना।
गाइस, फाइनली हमने पूरा विजिट कर लिया है अभी ये हनुमान धाम। अभी यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आगे और पीछे आप देख सकते हो। जो मेन गेट है वो भी अभी बन ही रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अंधेरा हो गया और अभी हमें निकलना है हल्द्वानी भी, जो यहाँ से कम 30 किलोमीटर होगा यहाँ से हल्द्वानी, 25 या 30 किलोमीटर समथिंग होगा। तो ये लगा लीजिए कि हमें जल्दी है तो जाना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको हल्द्वानी पे और फिर बताता हूँ आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो भाई, काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे, शाम होती मुझे मालूम था ठंड लगेगी, इसलिए मैं पहले से अपना इंतज़ाम कर रखा था, मैंने जैकेट लेकर आया था मैं अपने साथ। तो चले हल्द्वानी। हाँ चलो, तो आपको मिलता है हल्द्वानी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच गए अभी हल्द्वानी, और जो आज का हमारा प्रोग्राम था पूरा का पूरा, वो मेनली हमारा था हनुमान जी के दर्शन करने का हनुमान धाम जाके, और वो हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मन को काफ़ी शांति मिली। और अगर आप लोग को किसी को जाना हो हनुमान धाम, तो अगर आप हल्द्वानी से जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बताऊं, तो मैंने वीडियो में पहले आपको 35 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास बताया था, लेकिन वो जो टोटल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है हल्द्वानी से। और हल्द्वानी से जो मेन रोड है, वो जो मेन रोड से आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक हनुमान धाम करके बोर्ड लगी होगी, ठीक है, वहाँ से 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर अंदर की तरफ होगी। तो उस छोटी सी रोड पे भी एक और मोड़ होगी राइट हैंड साइड के लिए, वहाँ पे भी एक साइन बोर्ड लगा होगा आपका हनुमान मंदिर का, हनुमान जी के मंदिर के लिए हनुमान धाम लिखा होगा वहाँ पे। तो वो साइन बोर्ड आपको बस देखते हुए जाना है और आप सीधे पहुँच जाओगे हनुमान धाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।